हेलो क्लास एट्थ स्टूडेंट ना चैप्टर नाइन इज कम नेम ऑफ द चैप्टर एलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज इससे पहले हम प्रीवियस लेक्चर में हमने अबाउट द एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेशन क्या क्या होता हमने था एंड उसके टर्म फैक्टर्स एंड कोपिशन के बारे में हम समझा था देन हमने मोनोमियल्स बाइनोमियल्स एंड ड्राइनोमियल्स एंड पोलिनोमल्स कितने तरफ की हमारी एक्सप्रेशन होती अगर जिसमें एक टर्म हो तो हमारा कौन सा बायनोमेल हमारा कौन सी होती है मोनोमिल्स होती है टू टर्म होती है तो हमारा कौन सा होता है बायनोमिल्स होती है थ्री टर्म होता है तो हमारा कौन सी होती है ट्राइनोमेल और थ्री से वन वन दो मौ, वन मोर तो हमारा कौन तो होता है पोलिनोमल्स होती है ओके स्टूडेंट देन इसके बाद हमने सीखा था कि लाइक एंड एंड लाइक टर्म लाइक एंड अनलाइक टर्म क्या होती है जिसमें हमारे जिस जिस टर्म में हमारे वेरिएबल सेम होंगे वो क्या होगी हमारी लाइक टर्म होगी और लाइक टर्म को क्या कर सकते हैं हम और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ओके स्टूडेंट एंड अनलाइक टर्म क्या होती है जिसके वेरिएबल सेम नहीं होंगे वो हमारी अनलाइक टर्म होगी देन हमने उसके बाद हमने एडिशन एंड सब्टशन ऑफ एक्सप्रेशन देखा था नाव टूडे विल डिस्कस अबाउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन अब हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जैब्रिक एक्सप्रेशन ओके मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है फर्स्ट फर्स्ट हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल्स मोनोमेल्स क्या स्टूडेंट मल्टीप्लीकेशन मोनोमियल्स बाय मोनोमियल्स मोनोमियल्स का होता है मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने अच्छे से समझाया जिसमें ओनली वन टर्म हो वन टर्म का वन टर्म से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कैसा होगा जैसे मोनोमियल्स का मोनोमियल्स के साथ ओके स्टूडेंट फर्स्ट क्या रूल है हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर मोनोमियल्स अगर हमको प्रोडक्ट करना प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन टू और टू से ज़्यादा मोनोमियल्स हो मतलब टू से और टू से ज़्यादा एक्सप्रेशन हो कौन सी मोनोमियल्स तो फर्स्ट क्या होगा इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस न्यूमेरिकल कोफिशियंट जो हमारा हुआ जैसे हमारी टू एक्सप्रेशन होगी तो उनको क्या करेंगे प्रोडक्ट करेंगे टू न्यूमेरिकल कोफिशेंट का इन टू प्रोडक्ट ऑफ देयर वेरिएबल पार्ट्स ओके इसको हम एक एक्सप्रेशन के थ्रू अच्छे से डिस्कस करते हैं जैसे कि इक्वेशन आपको एक्सप्रेस एक एग्जाम्पल गिवाने प्रोडक्ट ऑफ सिक्स एक्स वाई एंड माइनस थ्री एक्स स्क् एंड वाई क्यूब ओके जैसे कि आपको टू टू मोनोमल्स एक्सप्रेशन की वाने मतलब उनमें ओनली एक वन वन टर्म है तो सिक्स एक्स वाई प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई इंटू माइनस थ्री एक्स स्क्र वाई स्क्र तो फर्स्ट हमारा क्या है प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमेरिकल कोफिशियंट तो सबसे फर्स्ट हमको यह करना पड़ेगा इनके न्यूमेरिकल कोफिशियंट को सेपरेट करना पड़ेगा तो न्यूमेरिकल कोफिशियंट कौन सा हमारे दोनों के सिक्स एंड थ्री तो हमको सिक्स इंटू माइनस का थ्री ओके स्टूडेंट ये आपका अलग हो गया ओके इसको हम ब्रैकेट में सेपरेट कर देते देन अब हमारा नेक्स्ट क्या है मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ देयर वेरिएबल पार्ट्स जिसे मैं आप मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूँ और नेक्स्ट हमारे क्या प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल पार्ट्स तो इसमें फर्स्ट एक्सप्रेशन में हमारे वेरिएबल पार्ट कौन से एक्स एंड वाई देन हमारे इसमें हमारे हमारे सेकेंड पार्ट में हमारे वेरिएबल पार्ट्स कौन से एक्सक्योर एन वाई क्यूब एक्स एक्सक्योर एंड वाई क्यूब ओके स्टूडेंट ये हमारे वेरिएबल पार्ट्स हो गए अब सिक्स थ्रीजा एटीन बट माइनस का होगा क्योंकि हमारे माइनस का साइन है तो सिक्स एटीन अब हमारे यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है ये मल्टीप्लाई अब हमारा ये अब वेरिएबल मतलब वेरिएबल का वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का एक्स के साथ होगा तो एक्स हम अब हम एक जैसे वेरिएबल को एक साथ सेपरेट कर लेते हैं, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई नहीं सॉरी वाई क्यूब है ओके okay, स्टूडेंट तो सबसे पहले आपको एक रूल पता होना चाहिए अगर किसी भी वेरिएबल का हमारा मल्टीप्लाई होता है ओके okay, स्टूडेंट अगर उनका बेस सेम है मतलब बेस एक्स एक्स आप दोनों का बेस सेम है तो हमारी पावर क्या होती है एड हो जाती है तो क्या हो जाएगी एक्स वन प्लस टू हो जाएगा तो हमारी पावर एड हो जाएगी तो एक्सी की पावर थ्री हो जाएगा देन जैसे हमारा वाई इन वाई की पावर थ्री है तो हमारा वाई वन प्लस थ्री तो वाई की पावर क्या हो जाएगी फोर हो जाएगी मतलब अगर बेस सेम होगा तो पावर एड हो जाएगी सो so, जैसे कि आप एग्जाम्पल एक्स की पावर एम इंटू एक्स की पावर एन तो हमारा बेस सेम है बेस के हमारा एक्स एक्स है पावर हमारी एम एन है तो दोनों पावर एड हो जाएगी उसी तरह से हमारा एक्स और एक्स दोनों पावर दोनों बेस सेम है तो एक्सी की पावर वन और एक्से की पावर टू तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस का एटीन है आगे ओके स्टूडेंट तो एक्से की पावर क्या हो जाएगी थ्री हो जाएगी ओके देन वाई वाई की पावर वन है और वाई की पावर थ्री है तो थ्री और वन फोर हो जाएगी तो वाई की पावर फोर हो जाएगी तो हमारा ये आंसर हो जाएगा ओके स्टूडेंट ऐसे हम टू मोनिमेल्स का मल्टीप्लाई करेंगे अब सेकेंड हमारा मल्टीप्लाई जैसे कि अभी हमने टू मोनिमेल्स का मल्टीप्लाई किया अब मल्टीप्लाई थ्री और मोर मोनिमेल्स अगर तीन और तीन से ज़्यादा मोनोमेल्स हमको गिवन हो तो उसका मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे हम एक बार इसको डिस्कस करेंगे तो आपका एग्जांपल है लेफ्ट साइड थ्री का क्वेश्चन नंबर सिक्स ओके आपका लेफ्ट साइड थ्री स्टार्ट हो चुका है इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा सिक्स है क्या क्वेश्चन हमारा इज स्वेश्चन फोर पी ये हमारा फर्स्ट टर्म है एक से हो गया सेकेंड मोनोमेंस से हो गया थर्ड मोनोमेल्स हो गया इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट फर्स्ट हमारा एक्सप्रेशन है फोर पी सेकेंड एक्सप्रेशन हमारा फोर पी स्क्वायर और थर्ड एक्सप्रेशन हमारा सिक्स पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ओके तो हमने इनको मल्टीप्लाई में लिख दिया अब सबसे पहले हम क्या सेपरेट करेंगे इनमें से इसमें कोफिशियंट सेपरेट कर देंगे तो तीनों का कोफिशियंट क्या हमारा है फोर फोर एंड सिक्स तो इन तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा फोर इंटू फोर इंटू सिक्स एंड इनके वेरिएबल का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फर्स्ट का वेरिएबल पी है ओके पी सेकेंड पार्ट्स का वेरिएबल सेकेंड एक्सप्रेशन का पी स्क्र देन थर्ड थर्ड का लगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ओके स्टूडेंट तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम सबसे फर्स्ट so, okay, तो मल्टीप्लाई okay, क्या आएगा हमारा इनका मल्टीप्लाई करेंगे ओके तो फोर इंटू सिक्स इंटू फोर ओके इनका मल्टीप्लाई किया तो हमारा नाइन्टी सिक्स आया देन हमारा ब्रैकेट में इनको हमने सेपरेट किया ओके p इंटू पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर क्यूब तो इनको हमने क्या सेपरेट किया तो हमने p p को एक तरफ रख दिया p हमारे तीनों की बेस सेम है हमें वन टू थ्री तीनों p है तो इन तीनों की पावर एट हो जाएगी तो वन टू टू तो वन टू टू इंटू क्यू स्क्वायोयर ओके स्टूडेंट तो नाइनटी सिक्स पी की पावर फाइव हो जाएगी टू टू फोर ने फाइव ओके तो फाइव हो गया और क्यू की पावर टू हो गई ओके स्टूडेंट तो हमारा ये हमारे तीन एक्सप्रेशन का हमने तीन मोनोमियल एक्सप्रेशन का हमने कैसे मल्टीप्लाई किया मैंने आपको अच्छे से समझाया ओके स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है ओके आपको यहाँ एक कितनी एक्सप्रेशन गिवन है वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स एक्सप्रेशन गिवन है ओके जैसे एक दो तीन चार पाँच एंड सिक्स ओके आपको सिक्स एक्सप्रेशन गिवन है आपको इनको प्रोडक्ट फाइंड करना प्रोडक्ट मीस मल्टीप्लीकेशन तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लीकेशन में लिख देंगे ओके मैंने इन सब एक्सप्रेशन को मल्टीप्लीकेशन में लिखा अब इन सारे मल्टीप्लीकेशन इन सारे एक्सप्रेशन का हम क्या करेंगे इनका कोफिशियन सेपरेट करेंगे तो फर्स्ट वाले में सेवन है सेवन सेकेंड वाले में फोर है फोर थर्ड वाले में टू है टू और फोर्थ वाले में तो कोई भी एक्सप्रे हमारे नहीं है बट फिफ्थ वाले में मेरा थ्री है तो थ्री ले लिया हमने एंड सिक्स एक्सप्रेशन में हमारा टू है तो टू हमने फाइनल ले लिया ओके स्टूडेंट अब इन सारे के सारे वेरिएबल इन सब के वेरिएबल को हम एक तरफ से मल्टीप्लाई में लिख लेंगे तो ए बी स्क्वायर सी फाइव ओके देन ए क्यू बी स्क्वायर सी स्क्वायर यह हमने लिखा ए बी सी स्क्वायर हमने लिख दिया ए बी लिख दिया एंड इसके एक्सप्रेशन को हमने लिखा ओके स्टूडेंट अब हमने इन सबका मल्टीप्लाई किया हमारा आंसर आया थ्री थ्री सिक्स थ्री हंड्रेड थर्टी सिक्स ओके अब इन सब में से हम ए ए को एक तरफ सेपरेट कर लेंगे बी बी को एक तरफ सेपरेट कर लेंगे एंड सी को अलग तरफ सेपरेट कर लेंगे तो फर्स्ट टर्म में हमारा ए है सेकंड एक्सप्रेशन में ए क्यूब है तो हमने है, 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 गया? 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 तो, ए क्यूब लिखा थर्ड एक्सप्रेशन में हमारा ए है फोर्थ एक्सप्रेशन में ए है एंड फिफ्थ एक्सप्रेशन में हमारा ए स्क्वायर है ओके देन अब हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन में बी स्क्वायर है सेकेंड में भी बी स्क्वायर है थर्ड में हमारा बी है फिफ्थ में हमारा बी ए और ये हमारे बी ओके स्टूडेंट इसी तरह हमने भी सी को भी सेपरेट किया ओके अब इन सब की पावर को ए ए की पावर को एड करेंगे ओके बी की पावर को एड करेंगे सी की पावर को एड करेंगे तो हमारा तो फाइनल आंसर हो जाएगा थ्री हंड्रेड थर्टी सिक्स ए की पावर एट बी की पावर सेवन एंड सी की पावर नाइन ओके स्टूडेंट सो आपका ये लेट्स राय थ्री से भी रिलेटेड सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं आपके जो जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनकी पी का सोल्यूशन मैं आपको सेंड प्रोवाइड करवा दूंगा ओके स्टूडेंट बट आपको एक बार ट्राई करना है कि इनको कैसे सोल्व करें ओके फिर मैं आपको आपका सोल्यूशन आएगा उसके बाद ही मैं आपको उसकी पी की सोल्यूशन मैं आपको सेंड करूँगा ताकि कि आप उससे तो चेक करिएगा कि आपकी कौन कौन सी प्रॉब्लम आए ओके ओके स्टूडेंट थैंक यू